मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और फिर राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखी। इस मौके पर उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात इलाके में पुलिस ने एक महिला को प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवाने के जुर्म में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों के बीच अवैध संबंध थे और दोनों ने कुछ लोगों की मदद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि महिला का एक बच्चा पहले से ही था। प्रेमी से अवैध संबंध के चलते ससुराल में उनका अक्सर विवाद हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के बरेली में युवाओं के रील बनाने का शौक इतना हावी है कि वह ट्रैफिक के नियमों का भी उल्लंघन कर अपनी जान को जोखिम में डालकर रील बना रहे हैं और स्टंटबाजी कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। एक नया रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा लिखा हुआ सफ़ेद स्कॉर्पियो कार पर एक युवा कार की बोनट पर बैठकर रील बना रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 69,000 का चालान काट दिया है। सुपरस्टार रजनीकांत आज लखनऊ में हैं। उन्होंने शनिवार सुबह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, फिर दोपहर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ लखनऊ के एक निजी मॉल में अपनी फिल्म जेलर देखने पहुंचे। वह शाम 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे। रजनीकांत की दीवानगी का आलम यह था कि प्लासियो मॉल में बड़ी संख्या में उनके फैन पहुंच गए। सीएम के सलाहकार अमनीश अवस्थी पत्नी मालिनी अवस्थी के साथ फिल्म देखने पहुंचे। मॉल के अंदर बाहर फैन की भारी संख्या में देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बने विपक्षी समावेशी गठबंधन इंडिया की 31 अगस्त व 1 सितंबर को होने वाली तीसरी बैठक में सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर बात होने की संभावना है। इसमें कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच आम सहमति बनाने का प्रयास होगा। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में जहां सपा मजबूत होगी वहां सपा ही लड़ेगी। इंडिया में जो सभी दलों की भूमिका होगी वहीं सपा की भी होगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हमलावरों ने एक दंपत्ति की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी है। हत्या से पहले पड़ोसी हमलावरों ने दोनों की डंडों से पिटाई की। मर्डर की सूचना मिलने पर एसपी चक्रेश मिश्रा कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। घटना हरगांव थाना क्षेत्र के राजेपुरा गांव की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस प्रथम दृश्यता मामले में प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव किसी मंच से भारत माँ की जय बोले या तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की ताकत है कि अब विरोधी दल के ऐसे नेता जो कभी मंदिर तक नहीं जाते थे आज वे भी मंदिर जाने को मजबूर हो गए हैं। अखिलेश यादव सत्ता नहीं मिलने से बेचैन है। वृंदावन में हरियाली तीज पर शनिवार को सुप्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के आंगन में सुबह से ही स्वर्ण हिंडोला में ठाकुर बांके बिहारी ने दर्शन किए। वर्ष में एक बार होने वाले विशेष हिंडोला दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि शनिवार रात 7:45 बजे ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह से बाहर आंगन में सोने चांदी से जटिल हिंडोला में ठाकुर बांके बिहारी विराजमान हुए। देश विदेश से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने प्रभु के दर्शन किए। प्रयागराज में वर्ष 2025 में होने वाले कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को रोडवेज की साधारण व एसी बसों के साथ ई बसों से भी सफर का मौका मिलेगा। रोडवेज प्रबंधक ने मेले तक 5,000 बसों को बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य तय किया है। ये बसें एसी नॉन एसी भी होंगी। इनकी खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाला गुड्डू मुस्लिम फरार है। इस फरारी में गुड्डू मुस्लिम का साथ देने वाले अतीक अहमद के जीजा अखलाक और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी पर कोर्ट का अपशकंजा कसा है। आयशा नूरी इस साल अप्रैल से फरार चल रही हैं और कोर्ट में पेश नहीं हो रही हैं। इस बीच कोर्ट ने आदेश पर प्रयागराज पुलिस ने मेरठ पहुंचकर आयशा नूरी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक न्यूज़ टीवी।